हेलो दोस्तों, आज अपने पास है हीरो की एक माउंटेन बाइक जो काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी। तो ये काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर जिसकी बाइक है उसने इसे एक ही जगह पर खड़े रखा था, तो जंग वंग लग गई, काफ़ी ब्रेक वगैरह सब कुछ ख़राब है इसका। तो इसी बाइसाइकिल की आपको वीडियो मिलेगी। ये एक नॉर्मल माउंटेन बाइक है जो कि आप देख सकते हो, इसके अंदर डिज़ाइन ये वाला। तो ये आप देख सकते हो सस्पेंशन कैसे रिपेयर होगा, इसका शोकर वगैरह जो भी है सब इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। ड्रिलियर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, और आप ये देख सकते हो आपके इसके टायर तो आपको चेंज करने ही होंगे, ख़राब हो गए ये आगे पीछे के टायर दोनों ख़राब हो गए। जैसे कि पावर ब्रेक के ऊपर वीडियो आएगी इसके ऊपर, और आप देख सकते हो जो चीज़ इसके अंदर सही करने लायक होगी वही सही होगा, और नहीं तो रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि क्रैंक सेट आप देख सकते हो, और जो हमारे पुराने दोस्त हैं जो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करे हुए हैं उनको मालूम होगा अपने वर्कशॉप के बारे में। तो अब अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ताकि आपको वहाँ पर वीडियो के नोटिफिकेशन पहले ही मालूम चलेगा कौन सी वीडियो कब और किस टाइम आएगी और किस पॉइंट के ऊपर आएगी, ताकि आपको वो देखनी चाहिए या नहीं। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बॉटम ब्रैकेट सर्विस। तो देखो आप ये कितना स्मूथ हो गया है, और वीडियो के साथ बने रहिए रेगुलर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, स्वागत है आपका इंडियन साइकिल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो आज अपने पास है ये सनक्रॉस की बाईसाइकिल। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो की। पहले इसी चैनल पे एक वीडियो डाली थी रिप्लेस बॉटम ब्रैकेट रिप्लेस की, और ये बॉटम ब्रैकेट की सर्विस करनी है। शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल छोटी वीडियो है, आपको बिल्कुल कम टाइम में वीडियो बॉटम ब्रैकेट की सर्विस की वीडियो बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ, देखो ये जाम हो जाता है, देखो यहाँ पे ये रुक जाता है ऐसे फिराने पे, नहीं तो ये ऊपर पूरा फिरना चाहिए। तो इसे खोल लेते हैं। इसी को आपको इस कैप को उठाना होगा पहले यहाँ से, फिर कैप को उठाने के बाद आप इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में 50 रुपये में मिल जाएगा। नहीं, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इस वाले गोटी टूल का भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि ये बोल्ट देख रहे हो आप, ये वाला टूल आपने यहाँ पे कस लिया, फिर इसको इस वाले को टाइट करेंगे और इसको ज़ोर से घुमाते जाइए, ये बाहर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा भाप का बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये अब यहाँ से आ गया है बाहर, ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये आपका निकल गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, दोनों ये मैंने दोनों साइड के निकाल लिए, लेफ्ट और राइट के। और जब अब आपका बचा है ये वाला नट, तो ये वाला नट आपके लिए ऐसा टूल आपको मार्केट से मिलेगा, इजी से अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। ये वाला आपको यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इस टूल को लगाओगे और ये एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैंने इसको यूज कर लिया तो ये खुल गया, और आप देख सकते हो अंदर से इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो आप उस साइड के उसको खोलते हैं, देखो काला, बिल्कुल काला हो पड़ा है, ग्रीस गोल्ड ग्रीस इसकी बिल्कुल काली हो रही है, और ग्रीस सूख चुकी है इसकी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे इसके कोई टूल वैसा आता होगा मार्केट में, मगर मैं हम इसे देसी तरीके से खोलेंगे। यहाँ पे आप इसको रख के और ऊपर से आपको हथौड़ी की चोट मारनी है, तो जैसे इस पर आप हथौड़ी की चोट मारोगे तो ये खुल जाएगा। जैसे मैंने इसको ढीला करके रखा है, पहले से यूज़ करके रखा है, तो ये आपका खुल गया यहाँ से, और इसको भी ऐसे ही खोलोगे आप। इसका ग्रीस बिल्कुल सूखा हुआ है, तो बॉटम ब्रैकेट आपका यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है। तो इसको सर्विस करते हैं, क्लीन करके आपको दोबारा से मिलते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने NBC का ग्रीस यूज़ लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बैरिंग ग्रीस है ये। और आप देख सकते हो जब बैरिंग आप ये ग्रीसिंग कर रहे हो बैरिंग के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर, तो आप एक अच्छा सा पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर उनको रखें, ताकि मिट्टी से और धूल से बचे रहें। और आप देख सकते हो ये वाली ग्रीस बैरिंग मैंने अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर दी है, और ये वाली भी देख लीजिए आप, दोनों ढंग से ग्रीस कर दिया है। ये पार्ट आप देख सकते हो, इसके अंदर अच्छे से ग्रीस डाल दिया है, और ये वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, दोनों साइड के अच्छे से ग्रीस डाल दिया है। और जो ये है इसका, इसमें भी ढंग से ग्रीस लगा दिया है, मतलब जहाँ जहाँ जुड़ता है ग्रीस की। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके थ्रेड हैं, यहाँ पे जो थ्रेड हैं आपकी चूड़ियाँ, यहाँ पे आपको ग्रीस लगाना होगा दोनों साइड, ताकि अगली बार आप इसे खोले तो आराम से स्मूथली खुल जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने हल्का हल्का ग्रीस लगा दिया, क्लीन करके पूरा। तो कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर दी है दोबारा से, और आप देख सकते हो इसे लेफ्ट साइड से अंदर डालना है। आप इन नंबरों का ध्यान रखें, जो ऐसे है तो इसे, ये जो मैंने इधर साइड है मेरे हाथ में, ये लेफ्ट साइड है, तो नंबर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जिस साइड से आप खोलो उसी साइड से आपको इसे डालना है, तो मैं लेफ्ट साइड से इसे अंदर डालता हूँ। ये यहाँ से हमने इसे अंदर डाल दिया, उस साइड से अंदर डाल दिया है, अब बचा ये वाला साइड। तो इसे आप बैरिंग को यहाँ से उठाएंगे, और बैरिंग को जैसे कि आपने बैरिंग को निकाला था उसी प्रकार से आप बैरिंग को इसमें लगा देंगे। ये इसके अंदर हमने बैरिंग डाल दी है, और इसे हम इस साइड से अंदर डाल देते हैं, इस साइड से हम इसे अंदर डाल देते हैं। आपको बताया था मैंने ये एंटी क्लॉक वाइक है,
ये आपको ऐसे उल्टा साइड घुमाना पड़ेगा तब जाएगा अंदर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि ये अपन ने वाला कैप ये बोल्ट टाइट कर दिया, ये वाला कैप अपन ने इधर लगा दिया। तो आप इसे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इंस्टाग्राम आईडी आपके पास है तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि वीडियो कौन सी और किस टाइम आने वाली है। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इंडियन साइकिल गुरुजी। इंस्टाग्राम आईडी है अपनी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।